हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। फ्रेंड्स, अगर मान लो एमएसटी सिटी में आपके कम परसेंटाइल आ गए तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तो आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तब आप सोचोगे कि यार कोई अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना मिल जाए तो चल जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो एमआईटी कॉलेज ऑफ औरंगाबाद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपके परसेंटाइल कम है तो। अब परसेंटाइल देखोगे तो आप भी चौंक जाओगे, यार इतना कम परसेंटाइल और इतना अच्छा कॉलेज। चलो देखते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखो, एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन। एस्टैब्लिश टाइप 1975 प्राइवेट कॉलेज है। एक्रेडिशन नैक, ये तो आपने सुना होगा, नैक का एक्रेडिशन होना बहुत जरूरी है आजकल के कॉलेजेस को। अप्रूवल बाय AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसने इसको अप्रूव किया है। कोर्सेस ऑफर BTEC, MTEC, MBA एंड MCA। बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से एडमिशन का क्राइटेरिया है। मोड ऑफ एजुकेशन फुल टाइम, स्कॉलरशिप भी मिलती है। अब फीस ज़्यादा है लेकिन स्कॉलरशिप भी है, फीस देख के चौक मत जाना, स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो। इस वेबसाइट पर जाना है आपको अगर अप्लाई करना है तो। अब सबसे पहले कोर्सेज और फीस का देख लेते हैं। हाँ, BTEC, अभी MBA MTEC वालों का तो मैं नहीं बता सकता, अभी आपके सामने आप पढ़ लेना। एलिजिबिलिटी देख सकते हो, 50% नहीं है, 45% है 12th का, 10+2 with 45। और फीस कितना है, 1 लाख, मतलब 4 साल का 4 लाख। अब सबसे पहले कट ऑफ देख, इसके बाद कट ऑफ देख लेते हैं। अब ये रहे ब्रांचेस, ये रहे कट ऑफ और ये रहे कैटेगरीज। अब आपका जो कैटेगरी है फ्रेंड्स, वो कैटेगरी को देखो। अब EWS का देखो, आप EWS का देख लो, BTEC इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 56% है फ्रेंड्स, इतना कम, इतने में तो काम चल जाएगा आपका यार, इतना तो कोई भी ले लेता है। 4.09 प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग, इससे ज़्यादा एडमिशन नहीं लेते बच्चे, तो कट ऑफ कम लग जाता है। अभी कंप्यूटर साइंस का देख लो यार, 84। कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, कंप्यूटर साइंस में अगर एडमिशन चाहिए तो 80+ percentage लाओ। अभी आप BTEC सिविल का देख सकते हो कितना कम है, अभी बोलने में शर्म आ रही मेरे को। BTEC इलेक्ट्रिकल का देख लो कितना कम है, मैकेनिकल का देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लो, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देख लो। अब ये जनरल ओपन, ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, जनरल मतलब मेल और फीमेल दोनों, जनरल ओपन ये सॉरी, ये जनरल ओपन का मतलब मुझे लगता है कहीं जेंट्स ओपन, ये लेडीज ओपन, जी मतलब जेंट्स, एल मतलब लेडीज ओपन, ऐसा होगा नहीं तो, ये एक साथ ही मतलब ये नहीं देता ना, तो इसका मतलब ये होता है जेंट्स ओपन लेडीज ओपन। अब ये ओपन वाला अपना कट ऑफ देख लो कितना है क्या है। अब ये जेंट्स SCs ये देख लो, ये NTs का देख लो, OBC वाले देख लो अपना कितना कम है, VJ वाले देख लो यार, OBC देख लो लेडीज, SC देख लो लेडीज कितना कम है, ये देख लो। अबे ये भी देख लो कौन सा ब्रांच है, ये TFWS ट्यूशन फी वेवर स्कीम, इसमें ओपन वाले बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं TFWS क्या होता है, ये बहुत जरूरी है जानना, आपकी फीस कम हो जाएगी फ्रेंड्स। ये डिफेंस ओपन मतलब जो एक सर्विसमैन है उनके जो बच्चे हैं उनके लिए, लेडीज NT का देख लो, ये दो कैटेगरी के लिए बस, दो ब्रांचेस कौन से है, साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनका ही कट ऑफ दिया, बाकी तो नहीं है। ये पिछले साल का है, आप साल भी देख सकते हो, और ये राउंड वन का है फ्रेंड्स, अभी राउंड टू का भी दिखाने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ ठीक है, ये फाइनल, अब यहाँ चलो राउंड टू का देख लेते हैं। अभी राउंड टू है, 2021 का डाटा है, इस पर फोकस करो, लेटेस्ट डाटा है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। राउंड टू में देख लो, आप अप्लाई करते हैं तो हो जाता कुछ, अभी सीट बची नहीं होगी तो इनका कट ऑफ नहीं है, मतलब राउंड वन में एडमिशन फुल हो चुका था, तो राउंड वन में अप्लाई करना ना भूले, राउंड टू में
आपको ब्रांच नहीं मिलेगी, इतना याद रखना है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों का ही है। आप देख सकते हो कैटेगरी दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहे कैटेगरीज। हाँ आप देख कैटेगरी, अभी इस लेडीज ओपन का एडमिशन फुल हो गया था तो इसलिए इसका कट ऑफ नहीं है। तो इस तरह आपको कॉलेज राउंड टू में आपकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, इतना याद रखो। राउंड वन में अप्लाई करना ना भूले। अभी आप देख लो, मैं बाकी बता चुका हूँ। अब ये परसेंटाइल देख लो कितने कम हैं, भले ही फीस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन स्कॉलरशिप्स मिलती है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। अपने अपने कैटेगरीज को पॉज कर लो और देख लो कि कितना कम कट ऑफ होता है अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। अब प्लेसमेंट की बात देख लेते हैं, प्लेसमेंट बाद में स्कॉलरशिप देख लेते हैं, अब पहले प्लेसमेंट देख लेते कि क्या रिव्यूज है। हाँ, द इंटर्नशिप वॉज ऑफर्ड बाय TCS, इन्फोटेक, इन्फोसिस, कैप जेमिनी, एवरी एयर। तो ये कंपनीज है जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है आपको। सेवंथ सेमेस्टर जो आपका होता है ना, मतलब 4 साल का इंजीनियरिंग है आपका, तो 8 सेमेस्टर हुए, 1 साल में 2 सेमेस्टर, तो 7 सेमेस्टर में जब आप होते हो तब अलग अलग कंपनीज आती है, कैंपस होते हैं कॉलेज में। और वो अगर आपके पास कुछ क्रिएटिविटी है, आप कुछ दिखा सकते हो, तो आपको इंटर्नशिप मिलती है। और 60 से 70 बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं इंटर्नशिप के लिए। द स्टूडेंट विच प्रपोज बेस्ड इन करिकुलम एक्टिविटीज, करिकुलम एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट होना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है इतने 4 साल में, एंड गेट्स गुड मार्क्स ऑन द टेस्ट, हैज अ हायर चांस ऑफ इंटर्नशिप। आपको एग्जाम में भी अच्छा करना है और करिकुलम एक्टिविटीज में भी अच्छा करना है, चाहे कोई भी कॉलेज हो। आपको अगर इंटर्नशिप चाहिए तो इतना करिकुलम एक्टिविटीज और पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो ये होना बहुत जरूरी है। बाकी आप पढ़ सकते हो। ये प्लेसमेंट एक्सपीरियंस है बच्चों का, जो पिछले साल के बच्चे हो गए उनका एक्सपीरियंस है, July 9, 2022, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी का लेटेस्ट है, आप देख सकते हो। अभी जो मेन था वो मैंने बता दिया आपको, बाकी आप देख लो। ये 40 लाख का पैकेज बोला है, 78% ऑफ स्टूडेंट्स गेट प्लेस एवरी ईयर, ये बोल रहा है, इतना बोल रहा है, मतलब हर किसी का थोड़ा अलग अलग एक्सपीरियंस है अलग अलग साल के हिसाब से। ये 21 का डेटा है तो उस हिसाब से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं स्कॉलरशिप्स, इसका मैं डिटेल बताने वाला हूँ तो लगे रहो यार, इसका डिटेल बता दूंगा आपको। अभी यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं, कुछ है क्या, ठीक है। 1 लाख पर ईयर फीस है आपकी, आप देख सकते हो, ये कोर्सेज एंड फीस में आपको शायद मैंने बताया नहीं। हाँ, 1 लाख फीस है, ठीक है, आप ये देख लो, 1 लाख। अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स है, वो स्कॉलरशिप देख लो। एक मिनट फ्रेंड्स, ये रहा स्कॉलरशिप, SC स्कॉलरशिप्स, SC फ्रीशिप, SBC स्कॉलरशिप्स, SBC फ्रीशिप। फ्रीशिप्स मतलब नो ट्यूशन फीस, फ्रीशिप्स मतलब नो ट्यूशन फीस, याद रख लो। SC स्कॉलरशिप्स, SC फ्रीशिप्स, SBC सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए फ्रीशिप भी है। VJDT NT के लिए स्कॉलरशिप्स है, VJDT NT फ्रीशिप भी है। OBC स्कॉलरशिप्स है, OBC फ्रीशिप्स है। और ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आदिवासी, जो आदिवासी है वो अगर वीडियो देख रहे होते तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स है अलग अलग। ST फ्रीशिप्स है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई। और EBC ओपन वाले बच्चों के लिए, हाँ आप जाएंगे डिटेल में, ये बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, लेकिन बताना मेरा काम है ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। फीस में इंक्रीज बाय 5 to 10%, ये हर कॉलेज के लिए फ्रेंड्स। मेरे पास कॉलेजेस की लिस्ट है, लास्ट में ये पेज है, इस पेज पे लिखा है दिस इज कॉमन टू ऑल कॉलेजेस। तो आपको लगेगा यार हर वीडियो में ये बंदा यही बता रहा है, तो यही सबके लिए मतलब फिट है इंफॉर्मेशन, यही है कि हर कॉलेज में इसी तरह का फीस का हो, स्कॉलरशिप का हो, फंडा है, आप समझ सकते हो।
फीस में इंक्रीज हुआ 5-10% फॉर ईच कॉलेज। अब हर कॉलेज का अलग अलग फीस है, तो फीस 5-10% से बढ़ता है हर साल, ठीक है। पर ओबीसी कैटेगरी फीस 50% ऑफ द ट्यूशन फीस प्लस डेवलपमेंट फीस। ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए 50% फीस है, जो ट्यूशन फी हो 50%, लेकिन डेवलपमेंट फीस जो ना फ्रेंड, डेवलपमेंट फीस वो कभी कम नहीं होता। 5,000 से लेके 20,000 के बीच डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज ये डेवलपमेंट फीस होता है। तो हर कॉलेज का डेवलपमेंट फीस अलग अलग होता है, लेकिन 5,000 से कम नहीं होता और 20,000 से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अब क्या रहा और ट्यूशन फी वेवरिंग स्कीम, इसका आप थोड़ा सा देख लो। जो ओपन वाले बंदे हैं, ओबीसी वाले बंदे भी देख ले, उनके लिए भी है। मैंने बोला नहीं था लेकिन हाँ, कैंडिडेट हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख, अगर आप ओपन या ओबीसी हो और आपका फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है, कम है, कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हो किसके लिए, ट्यूशन फी वेवर स्कीम के लिए। TFW से स्टूडेंट डोंट नीड टू पे फीस, आपको फीस नहीं देना है। जो TFWS में सिलेक्ट होते हैं उनको ट्यूशन फी नहीं देना है, बस डेवलपमेंट फीस दे देना फ्रेंड्स, ये तो बनता है, ये आपको नहीं छोड़ेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटेक अंडर TFWS स्कीम इज 5%, बस 5% बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं इस स्कीम के थ्रू, जो अच्छा रैंक वाले बच्चे होते हैं उनके लिए, जो ओपन या ओबीसी है उनका जिनका रैंक अच्छा है वो सिलेक्ट होंगे। EWS देख लो आप, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कैंडिडेट हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 8 लाख एंड नॉट एबल टू गेट एडमिशन थ्रू TFWS। अब सबका एडमिशन तो TFWS के थ्रू नहीं होगा, तो जिनका एडमिशन इस स्कीम के थ्रू नहीं होता है वो EWS के लिए अप्लाई करें। Those students will get admission in EWS. How to pay 50% tuition fees? 50% tuition fee देना है आपको, development fees देना ही है। Open category candidate whose family income is less than 8 lakh, ये बस open के लिए है EBC scheme, तो 50% tuition fee देना है आपको, मतलब पूरा fees भरना है, 50% return आने वाले after approval of government। Friends आप देखते हैं hostel की facilities क्या क्या है इस college में। आपके सामने है एक चार्ट, उसमें आप देख सकते हो चार्जेस पर ईयर, तो चार्जेस डिक्रीज हो रहे हैं फैसिलिटीज के हिसाब से। आपको एसी रूम चाहिए तो 90,000 है, नॉन एसी चाहिए तो 60,000 है, आप अलग अलग कैटेगरीज देख सकते हो। सबसे कम फ्रेंड्स 12,000 वाला है, 8 बच्चे साथ रह सकते हैं, 8 बेड्स, अगर आपको रूम शेयर करना है तो 12,000 आप दे सकते हो। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि आपको डिपॉजिट करना है सबसे पहले, और ये फीस आप साल भर में इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देख सकते हो। ये था बॉयज़ के लिए, आप गर्ल्स के लिए भी देख लेते हैं, तो गर्ल्स आप भी देख लो। ये रहा आपके लिए चार्जेस पर ईयर, सबसे कम में चाहिए तो 15,000 और 10 बेड, मतलब 10 गर्ल्स एक साथ रह सकती है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट सबके लिए सेम है 2,500। तो ये कुछ फैसिलिटीज है हॉस्टल की। तो फ्रेंड्स अगर आपको और अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा सपोर्ट करते हो तो मैं इससे भी अच्छा कॉलेज है उस पर वीडियो बना सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।